सुदर्शन चक्र की उत्पत्ति। एक बार असुरों ने स्वर्ग पर आक्रमण करके देवताओं को बंदी बना लिया। भगवान विष्णु भी असुरों को मारने में असफल हुए। तब भगवान विष्णु ने भगवान शिव की पूजा शुरू की, जिसमें उन्होंने 1,000 कमल पुष्पों से भगवान शंकर का पूजन किया। भगवान शिव भगवान नारायण की भक्ति से प्रभावित हुए। उन्होंने 1 कमल पुष्प अपनी माया से लुप्त कर दिया। उस कमल पुष्प को ढूंढने की भगवान विष्णु ने बहुत प्रयत्न किए, लेकिन उन्हें पुष्प नहीं मिला। पुष्प की कमी पूरी करने के लिए उन्होंने अपना एक नेत्र निकाल लिया और शिवलिंग पे अर्पित किया। उनकी इस भक्ति से भगवान शिव पहले से भी अधिक प्रभावित हुए और उन्होंने भगवान विष्णु को एक अचूक चक्र प्रदान किया। उस चक्र से भगवान विष्णु ने सभी असुरों का वध कर दिया और देवताओं को पुनः स्वर्ग दिया।